मेरा स्वागत है आपका। हिंदी में आज से पहले हमने बहुत कुछ सीखा, सब्जियों के बारे में सीखा, फलों के नाम सीखे, फिर हिंदी में हमने सीखा कि शरीर के अंगों को क्या कहते हैं, ये सब हमने सीखा। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम आज सीखेंगे कि दूर की चीजों को और पास की, हमारी जो चीजें नजदीक होती है उन्हें किस तरह बुलाया जाता है, वो चीजों को बताने के लिए हम कैसे शब्द प्रयोग करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का यहाँ है, यानी कि गुजराती में आ छे, फिर है वहाँ है, यानी कि गुजराती में पेलू छे, यानी कि तेज है, और पहला है कि यहाँ है, यानी कि गुजराती में आज है। यहाँ, यहाँ का उपयोग नजदीक के लिए और वहाँ, तो यानी कि वहाँ का उपयोग दूर की चीजों के लिए होता है। किस तरह? तो आइए देखते हैं उनकी व्याख्या। नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए यहाँ और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वहाँ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखा है कि नजदीक की वस्तु के लिए या फिर कोई व्यक्ति के लिए यहाँ का उपयोग होता है, और कोई दूर की व्यक्ति या फिर दूर की कोई वस्तु हो उसे दिखाने के लिए वहाँ का उपयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये चीज आपको दिख रही है, चित्र दिख रहा है पतंग, तो ये पतंग से दूर है कि नजदीक? नजदीक। तो ये पतंग है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पतंग है। अब आप देख सकते हो कि वहां पर है पतंग, तो क्या पतंग उनसे नजदीक है कि दूर है? नहीं, पतंग उनसे दूर है। तो मैं क्या कहूंगी? वहां पतंग है। उसी तरह एक और उदाहरण हम देखेंगे। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक बॉटल है, तो ये बॉटल मुझसे नजदीक है कि दूर है? यस, ये बॉटल मुझसे नजदीक है। तो मैं इसे क्या कहूंगी? यहाँ बॉटल है। अब आप देख सकते हो कि यही बोतल अब मुझसे दूर है कि नजदीक है? यस, ये बोतल मुझसे दूर है। तो मैं क्या उसे ऐसे कहूंगी कि यह बोतल है? नहीं, अब ये बोतल मुझसे दूर है, तो मैं कहूंगी कि वहां बोतल है। तो बच्चों, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बार फिर से कि जो भी वस्तु या व्यक्ति हमारे नजदीक हो तो हम उसे बुलाने के लिए यूज करेंगे यहाँ का, और कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर हो तो हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? वहाँ। अब हम देखेंगे व्यक्ति के बारे में। जैसे कि मेरे पास कोई व्यक्ति खड़ी है, आप देख सकते हो चित्र में, समझो कि ये व्यक्ति मेरे पास खड़ी है और मुझे आपको वे व्यक्ति दिखानी है, तो मैं क्या कहूंगी? और इसका नाम समझो कि तेजल है, तो मैं कहूंगी कि यहाँ तेजल है ना? तो मैंने प्रयोग किया यहाँ का, क्योंकि तेजल मेरे से नजदीक है। अब आप देख सकते हो कि तेजल मुझसे दूर है, कहीं पे दूर खड़ी है तेजल, और मुझे आपको तेजल दिखानी है, तो मैं क्या कहूंगी? आओ देखो जरा, मैं आपको तेजल दिखाती हूँ। वो यानी कि वहाँ तेजल है। मैं आपको कहूंगी वहाँ तेजल है, क्योंकि तेजल मुझसे दूर है ना? मुझसे कोई व्यक्ति नजदीक हो तो मैं कहूंगी यहाँ, और मुझसे कोई व्यक्ति दूर हो तो मैं कहूंगी वहाँ। तो यही फर्क है इन दोनों में, कि कोई वस्तु नजदीक हो तो यहाँ और कोई व्यक्ति दूर हो तो वहाँ, इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों, अब हम थोड़े और भी उदाहरण देखेंगे। जैसे कि देखते हैं ये किताब, आप देख सकते हो किताब
नजदीक है कि दूर? नहीं, ये तो नजदीक है, तो आएगा यहाँ किताब है। ओके, तो आप वही किताब आप देख सकते हो कि क्या ये किताब नजदीक है कि दूर है। यस, ये किताब अभी से दूर है, तो यहाँ पर आएगा वहां किताब है। अब देखते हैं दूसरे कुछ उदाहरण। ये लड़की है, आप देख सकते हैं उसका नाम है रेशमा। तो ये लड़की मुझसे नजदीक खड़ी है, तो यहाँ पर आएगा यहाँ रेशमा है। अब वही लड़की मुझसे दूर है, तो अब हम लिखेंगे कि वहाँ रेशमा है। ओके, तो बच्चों ये खाली जगह है और आपको ये खाली जगह में यहाँ या फिर वह का उपयोग करके ये खाली जगह भरनी है। सूत्र पढ़ेंगे हम कि चित्र देखकर खाली जगह में यह या वह लिखी। यहाँ पर एक चित्र आएगा और वो चित्र आपको ध्यान से देखना है कि ये चित्र नजदीक का चित्र है या फिर दूर का चित्र है, है ना? आपको एक फर्क बताना कि अगर नजदीक का चित्र हो तो ऐसे ही आएगा, अगर दूर का चित्र हो तो हम यू करके दिखाते हैं, है ना? दूर हो तो हाथ करके दिखाते हैं, वो वाली चीज वह। ओके, तो लीजिए पहला चित्र है पेंसिल। आप देखो तो पेंसिल क्या नजदीक है कि दूर है? आप देख सकते हो यस, पेंसिल नजदीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर लिखा खाली जगह पेंसिल है, तो पेंसिल नजदीक है, तो यहाँ पर आएगा यहाँ। कोई भी चीज नजदीक हो तो क्या आएगा? यहाँ। अब है दूसरी खाली जगह, खाली जगह गाय है। आप देख सकते हो गाय का चित्र, गाय कहाँ है? गाय नजदीक खड़ी है कि दूर है? गाय तो दूर दिखाई दे रही है और दूर की चीजों के लिए क्या यूज होता है? वहां। तो यहाँ पर आएगा वहां कि वहां गाय है। तीसरी खाली जगह है, खाली जगह एनक है। तो आप देख सकते हो क्या एनक नजदीक है या फिर दूर है? यस, ऐसे करके दिखाया है तो यानी कि इसका मतलब दूरी होगा। Yes, तो यहाँ पर आएगा वह, वह एनक है। चौथी खाली जगह है, खाली जगह फूल है। आप देख सकते हो फूल नजदीक है कि दूर है? Yes, ये फूल तो नजदीक दिख रहा है, तो नजदीक के लिए यहाँ, तो यहाँ आएगा यहाँ, यहाँ फूल है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह लिखा हुआ है कुछ और यहाँ पर एक चित्र आया, तो आपको वो चित्र देखकर पहचानना है कि वो चित्र नजदीक है या फिर दूर है। अगर वो चित्र नजदीक है तो आपको जुड़ना है यहाँ से, अगर वो चित्र दूर है तो आपको जुड़ना है वहां से। तो लीजिए पहला चित्र है ये, तो आपको पहचानना है कि लड़की दूर है नजदीक है। यस, लड़की तो हमें नजदीक दिख रही है, तो यहाँ लड़की है आएगा या फिर वहां लड़की है आएगा? नजदीक के लिए यहाँ, तो हम जोड़ेंगे कि यहाँ लड़की है। अब दूसरा है कि यहाँ बंदर है, वहां बंदर है, तो बंदर की तस्वीर है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि नजदीक है बंदर कि दूर है, तो ये बंदर दूर है, तो हम जोड़ेंगे कि वहां बंदर है। अब दूसरा है कि वह छाता है, यह छाता है, तो छाते का चित्र आप देख सकते हो कि छाता आपको नजदीक दिखाई दे रहा है या फिर दूर? यस, छाता हमें दूर दिखाई दे रहा है, तो हम जोड़ेंगे कि वह छाता है। दूसरा है यह डाकिया है, वह डाकिया है, तो ये डाकिया का
करके आपने नजदीक दिखाई दिया है, तो क्या आएगा? यह डाकिया है। तो हम जोड़ेंगे इसे। तो स्टूडेंट्स, आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने में मजा आया? ऑफ कोर्स आया होगा, हमने उदाहरण बहुत ही अच्छे अच्छे देखे होंगे। तो आपको घर पे बैठकर अच्छे से ये हिंदी व्याकरण पढ़ना है। हमने जो कुछ भी देखा वो आप अच्छे से घर पे पढ़ना और उदाहरण भी देखना घर पे बैठे बैठे। कि आप घर पे बैठे हो तो आप देखना कि ये चीज मेरे से नजदीक है, तो मैं उसे क्या कहूंगी? यहाँ बोतल है। फिर आप देखना, निरीक्षण करना कि मुझसे वो मेरे घर के पर्दे मुझसे दूर है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? कि वह पर्दे है। तो घर बैठे बैठे भी आप इसी तरह पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आपको हिंदी व्याकरण में कुछ समझ में ना आया हो तो वो आप नोट डाउन करके रखना और लाइव सेशन में आप हमें